हेलो माय डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डू पीटी टी टू क्लास फाइव मैथ्स पेपर देखते हैं द फर्स्ट सेक्शन इज नॉलेज फर्स्ट क्वेश्चन इज थर्टीन पॉइंट कैन बी रिटर्न कैसे लिखेंगे थर्टीन पॉइंट वन फोर थ्री आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल के बाद हम सिंगल डिजिट पढ़ते हैं डबल डिजिट को नहीं पढ़ते नेक्स्ट इज फाइंड आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ फोर्टीन एंड ब्रेथ ट्वेल्व तो जैसा क्वेश्चन में आपको दिया है आपको सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है फिर लिखना है कि लेंथ और ब्रेथ कितना है देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है दैट इज लेंथ इन टू ब्रेथ सो यू विल मल्टीप्लाई फोर्टीन बाई ट्वेल्व एंड यिल गेट द आंसर वन सिक्सटी एट अगर जरूरत पड़े तो राइट हैंड साइड में आप रफ वर्क बना के वहाँ मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग आपको मैच करना है नाइनटी नाइन पैसे का मतलब क्या है जब इसको रुपीज में चेंज करेंगे मतलब हंड्रेड से डिवाइड करेंगे यू विल गेट जीरो डेसीमल नाइन नाइन क्योंकि नीचे दो जीरो है तो आप दो के बाद डेसीमल लगा देंगे वन मीटर थर्टी टू सेंटीमीटर यानी थर्टी टू सेंटीमीटर को जब आप मीटर में चेंज करेंगे अगेन हंड्रेड से डिवाइड करेंगे दो के बाद डेसीमल लग जाएगा सो इट विल बिकम वन डेसीमल थ्री टू जब जीरो पॉइंट टू नाइन को चेंज करेंगे यू विल गेट ट्वेंटी नाइन पैसे 5.25 मीटर को जब आप चेंज करेंगे तो सिर्फ आपको 25 को चेंज करना है आ, दिस दिस यू विल गेट फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर फाइव को चेंज करेंगे अंडरस्टैंडिंग पार्ट में जो क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपने बहुत सारे एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पेपर को देखा होगा सेम क्वेश्चन को दिस इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ आफ्टर इंडिया गेट ऑन विथ साइड वुड चिल्ड्रंस पार्क भी तो देखिए यहाँ पर राजपथ है अगर आप उस तरफ राजपथ से आ रहे हैं तो चिल्ड्रन्स पार्क यहाँ पर है तो आपके राइट right साइड में पड़ेगा सो दिस विल राइट साइड विच ऑफ द रोड्स मेक द बिगेस्ट एंगल बिटवीन दम सबसे बड़ा एंगल कहाँ बन रहा है आप देखिए इधर ये है सबसे बड़ा एंगल दिस इज नाइन्टी डिग्री दिस इज एक्यूट एंगल सो दिस इज द लार्जेस्ट एंगल एंड यू विल टिक मार्क अशोका रोड एंड मानसिंह रोड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्रैक्ट सब्ट्रैक्शन करते वक्त एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि एक तो आपको डिजिट्स को दूर दूर लिखना है और दूसरा डेसीमल के नीचे डेसीमल लगाना है बहुत आराम से करेंगे इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं जैसे जीरो में से टू नहीं जा सकता तो टेन में से टू जाएगा एट बचेगा यहाँ पर आपका फाइव रह जाएगा द फाइव विल बिकम फिफ्टीन फिफ्टीन में से सेवन जाएगा एट बचेगा देन हेयर थ्री इज लेफ्ट सो थ्री विल बिकम थर्टीन थर्टीन में से फाइव जाएगा एट बचेगा देन हेयर टू इज देयर सो टू माइनस वन इज वन एंड फाइव माइनस टू इज थ्री मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन मैंने इसको एक बार फिर से लिख दिया है थर्टी प्लस सिक्स प्लस टू बाई हंड्रेड प्लस फाइव बाई का क्वेश्चन है बेटा जब 2 के नीचे दो जीरो है मतलब कि ये 100th place पे है और 5 के नीचे तीन जीरो है मतलब डेसिमल के बाद ये तीसरे नंबर पर आएगा सो थर्टी सिक्स डेसीमल टू जीरो ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इन टू ब्रेथ ड्रॉ द नेट ऑफ अ क्यूब एक क्यूब कैसे बनता है उसके छह फेसेस होते हैं क्यूब के तो आपको इस तरह से छह फेसेस ड्रॉ करने हैं स्पोर्ट्स डे में यहाँ दिखाया गया है कि टीना ने कितने मीटर जंप किया मीना ने रेहाना ने अनु ने और अमीना ने हु इज द विनर ऑफ द लॉन्ग जंप सबसे ज्यादा बड़ी जंप किसने की है रेहाना ने सो शी इज द विनर और सबसे छोटी जंप किसने की है अनु ने दैट इज थ्री पॉइंट जीरो फाइव मीटर्स कमिंग टू वर्ड द नेक्स्ट हाउ मेनी पैसे डज अ मैच बॉक्स कॉस्ट ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है तो मैच बॉक्स की कॉस्ट है फिफ्टी पैसा हाउ मेनी मैच बॉक्सेज कैन बी गॉट फॉर टू डेसीमल फ़ाइव जीरो तो आपको टू डेसीमल फ़ाइव जीरो को फिफ्टी से डिवाइड करना है आपके पास आएगा जीरो से ज़ीरो कट जाएगा फाइव फाइव से ट्वेंटी फाइव यू विल गेट फाइव मैच बॉक्सेज हाउ मेनी रुपीज़ अ सोप कॉस्ट हेयर इट इज़ गिवन एट डेसीमल सेवन फाइव रुपीज़ एंड एग कॉस्ट टू एंड अ हाफ रुपीज़ हाउ मच वन डजन एग कॉस्ट एन एक्ट कॉस्ट टू एंड हाफ रुपीज़ हाउ मच वन डजन एग कॉस्ट तो टू रुपीज़ फिफ्टी पैसे का एक अंडा आता है वन डजन आपसे पूछा गया है वन डजन का मतलब है ट्वेल्व तो ट्वेल्व से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा याद रखेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है डेसिमल से डरना नहीं है तो ट्वेंटी फाइव को आप ट्वेल्थ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या टू फिफ्टी को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपका जो भी आंसर आएगा उसमें दो डिजिट्स के बाद आपको डेसिमल लगा देना है

और थर्टी टू डेसीमल फोर फाइव सेवन तो आपको डेसीमल के पहले वाले डिजिट से ही पता चल जाएगा कि बड़ा कौन सा है नेक्स्ट देखते हैं अलग अलग जगह का टेम्परेचर हमारे सामने है हमसे सबसे कूलेस्ट और सबसे हाइस्ट टेम्परेचर पूछा जा रहा है तो कूलेस्ट जैसा कि आप देख सकते हैं श्रीनगर का है सबसे ठंडा वन डेसीमल थ्री और हाइएस्ट जो है वो टी एच पुरम लिखा हुआ है स्पेलिंग करेक्ट नहीं है दिस इज़ ट्वेंटी वन डेसीमल सिक्स सो टी पुरम यहाँ आपको शेप्स को मैच करना है कैसे uh, कौन सी शेप फोल्ड होने के बाद या ओपन होने के बाद कौन सी बनेगी तो ये आपका कौन बनेगा दिस विल योर स्क्वायर दिस इज द शेप पे पेंसिल एंड दिस इज द रेक्टेंग ट्राइंगुलर प्रिज्म सो आई होप द पेपर इज़ वेरी क्लियर टू यू थैंक यू